It is my humble request, starting with Sri Suresh Oberoi ji, to please inspire us with your words. हाँ जी, नमस्कार। विवेक आनंद ओबेरॉय, सौभाग्य है कि एक ये ऐसे योगी, कर्मयोगी का रोल निभा रहे हैं, ऐसी एक महान हस्ती का रोल निभा रहे हैं जिसे सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि सारे विश्व ने, सारी दुनिया ने अपनाया है। और मुझे उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बट यकीन है, पूरा विश्वास है कि जितना मेहनती है विवेक और अपनी उनकी टीम, और मुझे उम्मीद है और यकीन है आगे कि ये बहुत ही अच्छी एक फिल्म बनाएंगे जो कि सदा बाहर रहेगी। थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ में अपनी आशीर्वाद भी देता हूँ, बच्चे बहुत अच्छी फिल्म बनाना। गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में मैं सुरेश जी आपके पास आता हूँ एक चंद लम्हे के लिए, क्योंकि मुझे याद है आपकी एक फिल्म आई थी त्रिवेणी। आज कितने सालों बाद एक नई त्रिवेणी पैदा हो रही है। आपने अपने बेटे का नाम रखा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर। बहुत कम लोगों को पता है कि विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र है, और नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद से हमेशा प्रेरित हुए। तो ये जो एक त्रिवेणी संगम जो आप लोगों ने पैदा किया है, ये बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी विवेक की मदर को मद्रास में मिलने गया था शादी के लिए जी, तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं इन्हीं से शादी करूंगा। अच्छा। और तब बोला था कि जब इनसे शादी होगी पहले बेटा होगा जिसका हाँ। नाम होगा विवेकानंद ओबेरॉय। क्या बात है। उसी दिन बता दिया था और हो गया, भगवान ने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑल।